यानी स्पेशल जूरी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है अ वेरी ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स को। एडवेंचर फिल्म का पुरस्कार दिया जा रहा है लद्दाख चले रिक्शा वाले को और सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए आई एम बोनी को। और इन तीनों फिल्मों के निर्माता हैं फिल्म्स डिवीजन, जिसकी तरफ फिल्म्स डिवीजन की तरफ से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं फिल्म प्रभाग के महानिदेशक श्री सत्येंद्र प्रकाश और इनको प्रदान किए गए 3 रजत कमल। वेरी ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स के निदेशक हैं श्री प्रतीक वत्स, इनको भी रजत कमल। एक्सप्लोरेशन एडवेंचर फिल्म का पुरस्कार लद्दाख चले रिक्शा वाला को, जिसकी निर्देशिका इंद्राणी चक्रवर्ती। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है आई एम बोनी फिल्म को। इसके निर्माता फिल्म्स डिवीजन, ये उनका 3रा पुरस्कार है और इसका रजत कमल प्रदान किया जा चुका है। इसके निर्देशक है सतरूपा संतारा और इनको प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। सौरभ कांति दत्ता फिल्म के निर्देशक हैं और इनको भी प्रदान किया जाता है रजत कमल। और फरहा खातून ये भी फिल्म के निर्देशक हैं और इनको भी प्रदान किया जाता है रजत कमल। दिस फिल्म पोर्ट्रेज द पिटिफुल प्लाइट ऑफ अ फुटबॉल चैंपियन स्ट्रगलिंग विद हिज फैमिली एंड सोसाइटी फॉर अ रिस्पेक्टेबल लाइफ एंड करियर। सर्वश्रेष्ठ जीवनी एवं ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन फिल्म का पुरस्कार इस बार 2 फिल्मों में बांटा गया है। पहली फिल्म है नाची से बांची, निर्माता फिल्म्स डिवीजन का आज का ये 4था रजत कमल है। पुरस्कार प्राप्त करेंगी फिल्म प्रभाग की प्रशासनिक निदेशिका स्वाति पांडे और इन्हें प्रदान किया जाएगा रजत कमल। निर्देशक है बीजू टोप्पो, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जाएगा। और निर्देशक मेघनाथ, इन्हें भी रजत कमल प्रदान करेंगे। नाची से बांची ट्रेसेस द फुटप्रिंट्स ऑफ अ ग्लोबल येट रूटेड लीडर, पद्मश्री रामदयाल मुंडाज इंस्पिरेशनल जर्नी। सर्वश्रेष्ठ जीवनी एवं ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन फिल्म का 2रा संयुक्त पुरस्कार दिया जा रहा है फिल्म द स्वॉर्ड ऑफ लिबर्टी लाइफ एंड डेथ ऑफ वेलुथम्पी दलावा को, निर्माता आरसी सुरेश को प्रदान किया जाता है रजत कमल। शाइनी जैकब बेंजामिन को भी रजत कमल, जो इसके निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ लघु कल्पित बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का पुरस्कार जाता है फिल्म मयत को। पुरस्कार ग्रहण करेंगे निर्माता डॉक्टर सुयश शिंदे, जो इस फिल्म के निर्देशक भी हैं और इनको प्रदान किए जाते हैं 2 रजत कमल। मयत इज अ लेयर्ड फिल्म दैट प्रेजेंट्स मोरालिटी एंड एथिक्स एज अ चॉइस अवेलेबल टू अस इवन इन आवर मोस्ट डेस्परेट एंड नीडी मोमेंट्स। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 फिल्मों को प्रदान किया जा रहा है। पहली फिल्म है टोकरी, इसकी निर्माता है नीलिमा एरियाट और इनको प्रदान किया जाता है रजत कमल। इसके निर्देशक हैं सुरेश एरियाट। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का 2रा पुरस्कार जाता है माछेर झोल को और इसके निर्माता है मुनीश तिवारी और उन्हें प्रदान करते हैं रजत कमल। माछेर सर्वश्रेष्ठ खोज फरक फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाता है 1984 व्हेन द सन डिडंट राइज को, निर्माता टीना कौर, जो इस फिल्म की निर्देशिका भी हैं, इनको प्रदान किए जाते हैं 2 रजत कमल। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। 1984 व्हेन द सन डिडंट राइज is a determined effort of the filmmaker to come to terms with a very disturbing event in history. सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म का पुरस्कार जाता है द लिटिल गर्ल वी वर एंड द वुमेन वी आर को, इसके निर्माता राही फाउंडेशन हैं और इनकी तरफ से पुरस्कार ग्रहण करेंगी अनुजा गुप्ता और इनको प्रदान किया जाता है रजत कमल। वैशाली सूद इस फिल्म की निर्देशिका है, इन्हें भी प्रदान किया जाता है रजत कमल। एंड द फिल्म डिपिक्ट्स अ पॉइंगेंट सोशल इश्यू हैंडल्ड बोल्डली येट सेंसिटिवली स्टीयरिंग द स्कार्ड पास्ट टुवर्ड्स अ हीलिंग फ्यूचर। वैशाली सूद इस फिल्म की निर्देशिका।
वैशालित सूद। वैशाली सूद फिल्म की निर्देशिका, द लिटिल गर्ल वी वर एंड द विमेन वी आर। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जाता है फिल्म वेल डन को, जिसके निर्माता हैं राजीव मेहरोत्रा, इनको प्रदान किया जाता है रजत कमल। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म का पुरस्कार द पंक्ति स्टोरी को भी प्रदान किया जाता है निर्माता राजीव मेहरोत्रा को, आज इनको प्रदान किए जाते हैं दो रजत कमल। द पंक्ति स्टोरी इज अबाउट एनुअल फॉरेन गेस्ट्स सी मैग्निफिसेंट अमूर फाल्कन एंड द कम्युनिटीज एफर्ट्स टू सेव द बर्ड फ्रॉम पोचर्स। जूही भट्ट वेल डन की निर्देशिका हैं और इनको भी प्रदान किया जाता है रजत कमल। द फिल्म इज एन इंटीमेट डिपिक्शन ऑफ वुमेन फॉर हूम जस्ट स्टेपिंग आउटसाइड देयर होम्स इज करेजियस एंड एम्पावरिंग। सर्वश्रेष्ठ प्रचार फिल्म का पुरस्कार जो पर्यटन, निर्यात और शिल्प उद्योग को बढ़ावा देती है, जाता है फिल्म पोइट्री ऑन फैब्रिक चंदेरी नामा को, निर्माता मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम। पुरस्कार ग्रहण करेंगे अजय गुप्ता और सिद्दीक अहमद। फिल्म के निर्देशक हैं राजेंद्र जांगले और इनको भी प्रदान किया जाता है रजत कमल। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑन सेल्यूलॉइड दैट वीव्स टुगेदर Chanderi Town's heritage and famed sari weavers called Chanderi Nama. Sarvashreshtha Kala and Sanskritik Film ka puraskar pradan kiya ja raha hai Girija A Lifetime in Music ko. Iske nirmata hai Madhu Chandra aur Sudha Datta aur puraskar grahan karenge Madhu Chandra aur Sudha Datta aur pradan kiya jayega Rajat Kamal. गिरिजा लाइफ टाइम इन म्यूजिक के निर्देशक है देवप्रिया अधिकारी, इनको भी रजत कमल प्रदान किया जाएगा। निर्देशक है समन्वय सरकार, इनको भी रजत कमल, और संकल्प मेशराम को भी रजत कमल। इट्स अ ट्रिब्यूट टू विदुषी गिरिजा देवी थ्रू हर म्यूजिकल जर्नी ऑफ मोर देन सिक्स डेकेड्स। द नेक्स्ट अवार्ड फॉर द बेस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एथनोग्राफिक फिल्म इज बींग शेयर्ड बाय टू फिल्म्स। द फर्स्ट फिल्म इज स्लेव जेनेसिस, द प्रोड्यूसर इज कैनपी ब्लैक एंड द डायरेक्टर अनीस के एम। ही विल रिसीव टू सिल्वर मेडल्स। अनीस के एम। The second award for the best anthropological and ethnographic film goes to the film Name, Place, Animal, Thing. The producers are K. Bhagyalakshmi and Nitin R. Name, Place, Animal, Thing के निर्देशक नितिन आर को भी रजत कमल। निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जाता है वाटर बेबी को और इसके निर्माता हैं वरुण शाह और इनको प्रदान किया जाता है रजत कमल। इट्स अ सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ एडोलेसेंट फियर्स एंड एस्पिरेशंस डिस्प्लेइंग अ प्रॉमिसिंग डिक्टेटोरियल टैलेंट। फिल्म की निर्देशिका है पिया शाह और उनको भी प्रदान किया जाता है रजत कमल। We now reach the end of the non-feature film category and request Honorable Madam to present the next set of awards for the feature film category. फीचर फिल्म श्रेणी में सबसे पहले है विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन पुरस्कार। इस श्रेणी का पहला विशेष उल्लेख जाता है बाल कलाकार मास्टर यशराज करहाड़े को मराठी फिल्म मोरक्या के लिए।
फीचर फिल्म श्रेणी में दूसरा विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन पुरस्कार जाता है फिल्म अभिनेता रमन देवकर को मराठी फिल्म मोरक्या के लिए और इनको प्रदान किया जाता है प्रमाण पत्र. Morakya is awarded for its amazing depiction of a young mind and its determination to achieve its goal. The next feature film to win a special mention in this category is Hello RC by Prakriti Mishra for its very convincing depiction of characters. Prakriti Mishra gets a certificate. A big hand for Prakriti. फीचर फिल्म श्रेणी में अगला विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन पुरस्कार जाता है फिल्म न्यूटन के लिए अभिनेता पंकज त्रिपाठी को और इनको प्रदान किया जाता है प्रमाण पत्र. सर्वश्रेष्ठ लद्दाखी फिल्म का पुरस्कार जाता है वॉकिंग विद द विंड को निर्माता ट्रिपी टर्टर प्रोडक्शंस. इनको प्रदान किया जाता है रजत कमल. पुरस्कार ग्रहण करेंगे महेश मोहन. फिल्म के निर्देशक प्रवीण मोरछल्ले को भी रजत कमल. सर्वश्रेष्ठ टूलू फिल्म है पदई. निर्माता है गोपाल पाई फिल्म्स और पुरस्कार ग्रहण करेंगे नित्यानंद पाई और इनको प्रदान किया जाता है रजत कमल. निर्देशक अभय सिन्हा, इनको भी रजत कमल प्रदान किया जाता है. सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म ढ, इसके निर्माता है अहमदाबाद फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड. पुरस्कार ग्रहण करेंगी अमृता परांदे. सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का पुरस्कार जाता है फिल्म गाजी को. इसके निर्माता पिक्चर हाउस मीडिया लिमिटेड और मेडिनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रसाद वी पोटलूरी को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है. फिल्म के